रूपी शत्रुओं का दमन नहीं कर पाते। इन निकटस्थ इन शत्रुओं का शत्रुओं को न जीत सकने के कारण ही वे अन्य शत्रुओं को जीतने का प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, और संगत और अंततः जीवन संग्राम में मर जाते हैं। वे ना तो आत्म साक्षात्कार का पद ग्रहण करते हैं और न सन्यासी बनते हैं। कभी कभी ये महान नेता सन्यासी का वेश धारण करके अपने आप को महात्मा कहलेने वाले लगते हैं, किंतु उनका एकमात्र उद्देश्य अपने राजनीतिक शत्रुओं को परास्त करना रहता है। चूँकि वो अपने जीवन को, यह मेरी जीवन जमीन है और ये मेरा परिवार है, ये के मोह से भ्रष्ट कर चुके होते हैं। अतः न उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाती है और न वे माया के जंगल में से मुक्त हो पाते हैं। क्या ट्रांसलेशन वही तो है ना, तात्पर्य तो वही है ना, ट्रांसलेशन अनुवाद छोड़ दिया क्या, पढ़ा नहीं, कौन बोला है ऐसा? अपने राजनीतिक तथा सामाजिक वीरों पुरुष है और थे जिन्होंने समशक्ति वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, तो वे भी अज्ञानवश यह विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है, परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण नष्ट करते हैं। वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं। वीर पुरुष तथा राजनैतिक नेता होते हुए भी वो आत्म साक्षात्कार का पथ नहीं अपना सकते हैं। वो छोड़ दिया था, सॉरी सॉरी, ओके। बात चल रहा है किसके बीच में, राजा रहुगण और जड़भर्त के बीच में। तो पहले वो रहुगण ने पूछा, आप कौन है? मैं तो राजा हूँ, आप कौन है, कोई पहचान है? जैसे हमारे एक कपड़ा पहनते हो ना, लाल कपड़ा, भगवा कपड़ा, इसको कहते ना भगवा, कहते ना हिंदी में भगवा कपड़ा पहनते है ना, नहीं भगवा को कपड़ा पहनने वाला जो भी हो आदमी, उसको आप साधु मान लेते हैं ना, नहीं? लेकिन जड़भर्त के पास कोई भी सिंबल नहीं था, है कुछ था कुछ इसने, लेकिन राजा रहुगण के पास उनका सिंबल था। क्या, मैं राजा हूँ, सारे बहुत मंत्री होते हैं हमारा पास में, सब सारे थे लोग। जैसे बोला, आप कौन है? रहुगण ने बोला, क्या मेरा आपको पासपोर्ट दिखाऊंगा? ये जड़भर तो बोले, क्या मैं आपको मेरा पासपोर्ट दिखाऊंगा, आईडी कार्ड और आधार कार्ड दिखाऊंगा? सुनो, देख लो, मैं पहले एक राजा था, पता है? काली महा ने बोले थे ना, आइडेंटिफिकेशन दिए हुए राजा महा जड़भर्त बोले, मैं पहले कौन था मालूम है? जानते हो देश का नाम क्या है? भारत लगा, जानता हूँ ना भारत, किसका नाम से हुआ भारत? एक राजा ने थे और 100 भैया था उनका, और पिताजी ऋषभदेव थे, इनका नाम के अनुसार वो भारतवर्ष हुआ था। ओ, पता है तुमको ना, सारी चीज़ पता है। वो भारत कौन है? नो, भारत के बारे में तुमको पता है? हाँ, ये लगता है पता है, ये भारत छोड़ के चला गया संसार को, यंग टाइम में छोड़ा, युवा वयस में छोड़ के चला गया। इसके बाद क्या हालत हुआ पता है? नहीं। इसके बाद क्या हालत उनका हुआ पता है? ये तो जंगल चला गया, जंगल में तपस्या किया, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं जितना सुना है हिस्ट्री उतना ही बात मानते। अरे ये झड़ा भरत मैं हूँ, वो जो भरत नहीं था मैं हूँ। अच्छा, तो आप लोग चुपचाप बैठ गया और कुछ नहीं बोला? अरे बाबा, ज़्यादा पूछने से भी गड़बड़ी हो जाएगा। बोला, अरे तुम तो टुकड़े के राजा हैं, एक छोटा सा राज्य के राजा होते हैं, लेकिन मैं ससागरपति का राजा था, चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती मालूम है ना, सारे पूरे पूरे भारतवर्ष के राजा था,
भारतवर्ष, ये जो आजकल इंडिया नहीं, ये नहीं भारतवर्ष, भारतवर्ष जम्बूद्वीप को कितना भाग में विभक्त किया है? सात है, नौ, सात क्या, नौ, नौ भाग में एक भारत के वर्ष होता है, वो पास में और किनारे समुद्र किनारे पे हैं, जो लवण सागर किनारे पे हैं वो भारतवर्ष, जिसका बाउंड्री होता है कौन, हिमालय, हिमालय, कौन सा हिमालय, ये हिमालय नहीं 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 अलग हिमालय होता है, ये हिमालय हम लोग बोलते हैं हिमालय, रिप्लिका जैसे प्रतिबिंब है, ये हिमालय नहीं है, और एक हिमालय है चारों तरफ है ये भारत, सारा पृथ्वी इधर ही है, अभी जहाँ जिसको बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह जितना जितना सारे ये अंदर है, अंदर ये भारतवर्ष थे, काल के क्रम के अनुसार वो अलग अलग हो गए, याद का हुआ और क्या क्या हुआ, सब खंड विखंडित हो गया, विखंडित हो गया, और कुल की केनाल भी स्वेज केनाल, और किसको बना दिया ना, नहीं आपने हमारा को गैस को क्यों आते, हम लोग बना देंगे केनाल, नहीं आ पाएंगे, इसे करके वो विभाजन हो गया, ये सारा भारतवर्ष में ही अकेला राजा था, पता है आपको नहीं, अब तो आजकल के टुकड़े 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 छोटा सा राज्य का राजा रहता है, ये बाबा मुझे फ्यूज उड़ गए, किसका राजा रघुगण का फ्यूज उड़ गए, फ्यूज फ्यूज उड़ गए, फ्यूज मालूम है, फ्यूज उड़ गए, इतना लोड हुआ फ्यूज उड़ गए, महाजड़ावर्त ने फ्यूज उड़ा दिया राजा रघुगण का, बोला अच्छा जानते हो, तो ऐसे करके उसको पहले को डिमोरलाइज कर दिया, किसको, राजा रघुगण को सारे, क्योंकि राजा रघुगण मन में एक अभिमान था, हाँ मैं राजा हूँ, मैं उपभोग कर, ऐसा वाला अभिमान था, मैं उपभोगकारी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, तो इसीलिए वो जड़भरत को लगा दिया क्या, शिविका, शिविका माने पलकी, हिंदी में क्या कहते हैं, शिविका कहते हैं ना, संस्कृत वर्ड शिविका, शिविका बहाने से है, बहाने से चलो, नहीं नहीं उनको तो पता नहीं कुछ, इसे तो गाली गुला किया, तो इसीलिए महाराज जड़भरत ने पार्टी खोला, अभी जब तो खोला नहीं था तब तो जड़भरत था, जब अभी खुल गए उनका नाम से जड़ उठ गए, अब भरत है, हाँ महंत, हाँ साधु भरत है ना, नहीं तो सारे बात बताते बताए, बहुत सारे बात बताओ बताया सारे आलोचक, ये चर्चा हो गए तो हो चुके हैं, फिर आज बोलते हैं, तुम जानते हो राजन मन की बात तो कहते हैं ना, क्योंकि पहले राजा था ना, काफ़ी भी एक्सपीरियंस है ना उनका, है ना, नहीं राजाओं का क्या उत्साह होता है, ये मेरा राज्य हो गया, नहीं और राज्य में साम्राज्यवाद, जिसको कहते साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद मालूम है ना, बाद साम्राज्यवाद में इसको और राजा और फैलाऊंगा, हाँ हिमालय से काश्मीर तक, आजकल जो हिमालय से काश्मीर तक मेरा ही राज्य होना चाहिए, मैं अकेला राजा होऊंगा, सारे लोग मेरे अंडर को आएंगे, ये बात ठीक है, कभी आप अलेक्जेंडर से जो कभी आप चाणक्य शो को, चाणक्य सीरियल ना, चाणक्य क्या सीरियल, चाणक्य ना, कभी देखा है, देखा नहीं, देखा है तो अलेक्जेंडर देखा नहीं, क्या बात, चाणक्य बहुत पुराना पुराना ये है ना एपिसोड है ना, चाणक्य श्लोक में, चाणक्य में क्या कहता है, जो अलेक्जेंडर सरकार सिकंदर, किसका कहते हैं सिकंदर, उनका नाम है अलेक्जेंडर सरकार, ग्रीक वीर, ग्रीक वीर अलेक्जेंडर सरकार, वो जब जब वापिस चलता चला जाता था तब तो सन्यासी लोग थे ना, लंगा बंगा के सो गए थे, इसके आगे जंप किया, बोला ये क्या कहते, व्हाट आर देयर डूइंग हियर, अंग्रेजी वाले आदमी है ना, वो ट्रांसलेटर है ना कोई, है ना, नहीं सो ट्रांसलेटर थे ना राजन, वो उसको जंप करते, व्हाट आर दे डूइंग देयर, लंगा पंगा आदमी है सब, नकड़े आदमी सब, क्या है तो करते हो सो, व्हाट आर दे डूइंग देयर, तो ट्रांसलेटर थी, सॉरी उड़िया घुस गया, एक ट्रांसलेटर हुआ था ना, सॉरी सॉरी अभी सॉरी घुस जाएगा उड़िया लड़का, क्या करेंगे, यह मेरा गलती नहीं ना, मैं उड़िया लड़का हूँ, मैं क्या करूँ, कभी घुस गया और मैं क्या करूँ गलत है उड़िया का, मेरा नहीं उड़ीसा का गलत है तो बोला क्या, यू व्हाट आर दे डूइंग देयर, हरिवाल प्रभु व्हाट यू आर डूइंग देयर, व्हाट आर डूइंग देयर, तो
तो ट्रांसलेटर बोले, ये जो जम कर रहे हैं वो बोल रहे हो एक बात, क्या बात बोल रहे हैं, तुम कितना राज्य जय करेंगे और तुम छोड़ के चला जाएंगे फिर राज्य स्वतंत्र हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ओ बता दिया, सच बात बता दिया ना। अलेक्जेंडर सलाहकार फिर भी सोचा, हाँ ये ठीक है, मैं तब चला जाऊँगा, मैं तो बीमारी हो गए ना, हाँ रोगग्रस्त हो गए, मैं चला जाऊँगा, बीमारीग्रस्त हो गए मैं चला जाऊँगा, वास्तव की सच है, ऐसे बोलते हैं इसका। क्योंकि अलेक्जेंडर सलाहकार ने एक बार सोचा था मैं पृथ्वी का राजा बनूँ, हो पाया, मगध मगध को जीता नहीं पाया है ना, नहीं मगध को जीता नहीं पाया, मगध को जीतने के लिए कोशिश किया था लेकिन अपना जो एडवाइजर बड़ी थे ना, हाँ मंत्रणा मंत्रण देने वाला जो थे वो बोला, क्या जानते हो मगध में कितना हाथी है, 700 हाथी है, कितना पदार्थ के मालूम है, इतना है, कितना धन दौलत है मालूम है, क्योंकि मगध इस समय में क्या था, एक बहुत बड़ा बलशाली और धनी राष्ट्र था ना। तो इसको सुन के वो कांपने लगा, अरे इतना मेरा पास इतना सैनिक नहीं है, यथाशन इतना सैनिक नहीं है, सोल्जर नहीं है, पदार्थ कितना होता है, उस समय तो नाभि नहीं था और एयरफोर्स नहीं थे हाँ, खाली पदातिक थे ना इतना सारे। तो फिर वापिस चला गया। इनका अर्थ होता है जो सारे राजा का ऐसा है हालत, इनका मन का अभिलाष ऐसे, मैं सारा राज्य को दे लूँगा, सारा पृथ्वी को मैं अपना कब्जा में रख ले लूँगा, कोई संभव हो सकता है, इसलिए कहते हैं मन शिन निर्जित दिगि गजेंद्रा समेति सर्वे भुवि बद्ध वैरा मृधे सरिजन्न तु तद्व्रजन्ति जन्यास्त दंडो गत वैर भाव वैरो भी जाति अभियाति वो जाति चलेगा। कहते जो मनुष्य कौन है, जो हिंदी में कहा जाता है बड़े बड़े पुरुष और विचारक, ये अर्थ बहुत हल्का अर्थ होता है, इसका अर्थ गंभीर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस अर्थ को और गंभीर भाव से दिए हैं अपना कमेंट्री में, टीका में क्या बोलते हैं, अर्थात सकल प्राणी के प्रति अभय प्रदत्त ही उसका सर्ज होता है, मनुष्य सॉरी सर भूल मनुष्य 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 माने लिखा है, मनुष्य का अर्थ होता है जो लोग अपना कल्पना में विलास कर रहे हैं हमेशा, हरिवर अपना कल्पना में विलास कर रहे हैं, अपना कल्पना विलास जो होता है, ये मैं ये करूँगा, मैं आज नौकरी मुझे मिला, पढ़ाई हो गया और उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन होंगे, एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगा, हाँ फिर भी क्या करूँ, सैलरी हैंडसम सैलरी मोटा अंक में जो सैलरी मिलता है उसको कहते हैं हैंडसम सैलरी, सारा मिलेगा, फिर इसके क्या अच्छी वाला सुंदरी लड़की देख के शादी कर लूँगा, फिर क्या करूँगा, फिर क्या करूँगी, आप इधर नहीं है क्या, इधर है तो फिर क्या करें बोलो, ना एक खरीदी करूँगा, एक मकान खरीदी करूँगा, इतना बच्चे क्या रखेंगे, खरीद दुकान घुसाला नहीं है, घुसाला तो बोलते हो घुसाला ना, क्या बोले नेस्ट करते किसे, क्या चिड़िया का नेस्ट, घुसाला घुसल घुसला ओ घुसला कलेरा करेला जैसे होता है, घुसला तो नहीं है, क्या रखेंगे बच्चे को, घुसला उनके बना चाहिए ना पहले, क्या बढ़िया मकान, हाँ कौन सा मकान, आलिशान मकान और इसके बाद क्या करेंगे फिर, इतना जल्दी बच्चा बेटा बेटी यदि हम पैदा करेंगे तो क्या होगा, मौज नहीं कर पाएंगे, शौक नहीं कर पाएंगे, प्रभु जी आई एम राइट, तो थोड़ा देर में क्या मेंटालिटी है, देखो आजकल क्या मेंटालिटी है, देखो कितना एंजॉय भोग का कामना है आपके पास, अभी नहीं कभी करीब कम से कम 5 साल बीत जाना चाहिए, सारे इंडिया घूम के देख लेंगे और जाएंगे, सब जाएंगे मरीशस जाएंगे, सीश्वर में हनीमून करें, कितना कितना सोच है ना, नहीं इसके बाद और भी गाड़ी भी ज़्यादा जरूरी है ना, नहीं कौन सा अर्टिजा वो सारे चिंता इसे कल्पना विलास कहते हैं, ऐसा करके बाद वो लोग को कहते हैं बड़ा बड़ा वीर पुरुष जो सुख धर्म मनोधर्मी होता है और कल्पना विलासी होते हैं, वो लोग
क्या कहते हैं, निजित दिगित गजेंद्रहा, निजित निर्जित माने पर जिस जित, निर्जित माने उसको जीत लिया, दिगि गजेंद्रा, दिग गजेंद्रा, गजेंद्र माने से गजेंद्र का शब्द अर्थ होता है गज इंद्र, गजेंद्र माने हाथी का राजा, हाथी में जो पहल बड़ा है सबसे, दिग गजेंद्र माने क्या होगा, वीर पुरुषों को अर्थ ऐसा होता है, क्योंकि संस्कृत में ऐसा अर्थ होता है जब पूर्व पर विचार करके अर्थ अर्थ निरूपित करना चाहिए, पूर्व और पर विचार में, जैसे हमारा साउथ में जो है रामेश्वरम है ना, नहीं रामेश्वरम को हम यदि व्याख्या करें क्या होगा, व्यास व्याख्या से समास लिखो, देखो क्या होगा, हाँ बोलिए बोलिए, राम जिनका ईश्वर, संस्कृत में बोलिए, पता है संस्कृत ही रामस्य ईश्वरम ना, ना हाँ कैसे हुआ राम जस्य ईश्वर रामेश्वरम ऐसा ना, हाँ लेकिन मैं भी बोल सकता हूँ रामस्य ईश्वर रामेश्वरम, क्या गलत है, कुछ गलत कुछ है नहीं, गलत है व्याकरण के अनुसार, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, ना फिलोसफी नहीं है, पूर्वापर विचार से होगा, पूर्वापर विचार होता है संस्कृत में, एक पूर्वापर विचार होता है, इसी के अनुसार गलत होगा, कोई कभी हो सकता है फिलोसफ, और एक प्रभु जी सही है, फिलोसफी के अनुसार भी गलत होगा, राम प्रभु भगवान राम की कोई ईश्वर हो गए ही होगा कभी, है कोई तो गलत है ना, इसलिए रामेश्वरम का अर्थ होता है राम जस्य ईश्वर स रामेश्वरम, ऐसे होता है, तो ये है पूर्वापर विचार, तो संस्कृत में ऐसा भी अर्थ होता है, संस्कृत ऐसा राजा राजकीय भाषा है ना, भाषा में राजा है, तो इसीलिए अल्प बहुत सारे बात को अल्प अक्षर में कह सकते हैं, और बहुत बड़ा बढ़िया से बना चुना शब्द ले सकते हम लोग, जो कल्पना विलासी राजाओं हैं, राजा ने अपना ठीक गज अपना वीर वीर पुरुषों को जो प्रतिद्वंदी होते उनको जो जीत ले चुका है दिग गजेंद्रा समेति ममेति ना समेति क्या है ममेति शरीर गलत है ममेति हाँ ममेति क्यों क्यों जीत लिया मम इति अहम मम इति समेति लिखा है गलत है ममेति मैं सुबह से इसी में फंस गए समेति कैसे आया समेति कैसे आया और क्या अलग बात था तो मम्मी थी उसको पढ़ा नहीं और कैसे कैसे स्लिप हो गया पता नहीं ममेति सर्वे भूमिबद अभी पकड़ लिया समेति कैसा हुआ ममेति सर्वे भूमिबद वैराह हाँ क्यों सिद्धित कोई क्यों कोशिश कर रहे हैं अहम ममेति ये मेरा होगा ये मेरा है ये ऐसे ऐसे वो भाव ये क्या अच्छा भाव है ये मन की भाव अच्छा है अच्छा स्वभाव है इसके बारे में शोक बोलिए यदि अच्छा नहीं है प्रमाण दीजिए क्या अहम मम इति क्या श्लोक होता है अयं निजवर व्यति गणना लघु चेतासम उदार चेतनांस्तु वसुदेव कुटुंबकम नीति शास्त्र सुभाषितानी अहं परवेति गणना लघु चेतासम अहं परवेति ये मेरा है तुम्हारा ये इधर ये क्या करेंगे दीवार खड़ा करा देंगे है ना नहीं है दो भैया माँ के पास एक गोद में थे एस पे एस गर्व से निकला बच्चे बचपन में एक बैठे के खाते रहते हैं और जब शादी कर लेते हैं तब तो शुरू हो जाता है क्या ये तेरा है मेरा है ये हिस्सा तुम्हारा मेरा मैं हिस्सा मेरा ये देखो कैसा बात है ना आप लोग सो बाबा जी बन गए बच्चा हुआ तेरा मेरा से बच गए ना बच गए नहीं भाई है मेरा भैया मेरे आँख को बोला ये टेंशन है बोला मेरे को तो बोला अरे सारे सारे संपत्ति पिताजी का मेरे 50% दे के चला या फिर भी तुम आके मुझे ये बोलते खबरदार दोबारा आने से देखोगे तुम मेरा स्वरूप मेरा जो स्वरूप है ना उसको देखोगे दिखाऊंगा तुमको मेरा स्वरूप विश्व रूप दिखाऊंगा तुमको एक बार
कहाँ के बदमाश, सारे जिम सारे संपत्ति तुमको दे के चला है यार, हैं? अरे इतना मोह मुफ्त तो मिल गया ना, 50% मेरा 50% है ना, दो भैया मेरा मेरा 50% तुमको दे के चला है बिना कोई देने लेने में, है कोई कुछ दिया है देख चलाया, पिताजी को संभालो, माँ को संभालो, खाओ पियो संपत्ति मेरा जितना सारा खाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुमको, फिर आके टेंशन मेरे को गेट आउट नॉनसेंस, ऐसा बोला मैं एक दिन, इसे नहीं आते, नहीं मैं डर के नहीं जाऊँगा, जाएंगे तो बाबा जी मुझे गाली गुला करेगा, टिकरा नहीं है, देखो तेरा मेरा ये जो भाव जिनका है अंग नजर पर्वते गणना, क्या ये शौर घंट घड़ी है दौड़ता है क्या मुझे पता नहीं, अरे इतना व्याख्या करने से तो खत्म हो जाएगा, एक श्लोक खत्म हुआ नहीं, एक धाड़ी भी खत्म हुआ नहीं है, एक लाइन खत्म हुआ नहीं है, अहंग निज पर्वते गणना लघु चेता सम उदार चेतना सुदैव कुटुंब, अहंग गणना लघु चेता, जो जिसका लघु चेता है, लघु चेतना होती छोटा सी छोटी सी चेतना है, और जिसको कहते हैं निम्न मान की चेतना लोअर कॉन्शसनेस, ये कहते हैं मेरा ये तेरा, जो हायर कॉन्शसनेस है ब्रॉड माइंडेड लोग है वो कहता है हम वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव माने वसुधा माँ की, सारे बच्चे बेटा बेटी हम लोग के हैं, आपस में झगड़ा नहीं कीजिए, लेकिन चलता आता नहीं, देखो ना जेलेंसी जेलेंसी बोला ये मेरा है और पुतिन बोला ये भी मेरा है, झगड़ा हुआ, झगड़े में क्या हुआ, एक राज्य ने पूरा अराख हो गए, कौन सा कौन सा, अरे क्या अब नहीं है सर, इंडिया में नहीं है आपका, यूक्रेन का क्या, आप लोग इंडिया में नहीं है और क्या पृथ्वी बाहर है क्या, और कुछ मंगल ग्रह में है, इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर है, तो इतना सारे घटना घटी हुई है आपको पता नहीं किसको, अरे ऐसा बाबा जी नहीं होंगे, सारे चीज को याद रखो क्योंकि ये काम में आएगा, जब बोलेंगे प्रवचन में ना कोई आके आपका अटैक कर देंगे, याद रखो कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज और डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दीजिए, आप कितना पढ़ाई करेंगे किए हैं बीटेक हो गया आप बाबा, आपको ये पता नहीं बोल देंगे तो क्या करेंगे पेंडल में, सारी चीज़ को ध्यान दीजिए, भोले भाले ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देखो एक रात में राख हो गया है ना, नहीं अभी कोई है कुछ कुछ नहीं है, और ये सब मुसी का असुर है, सब सारे लोग यूरोपियन मिशु के असुर अंदर घुस जाते हैं, है ना, चूहे की माफी मुसी का असुर, मुसी का मालूम है ना, चूहा चूहा असुर है, सब घुस जाते हैं अंदर में, हाँ फिर बाहर निकल के फिर जंग लगा देते हैं, है ना, नहीं हाँ, देखो सारे यूरोप खाली जंग में फैला है, और सारे लोग डूब गए जंग में, क्योंकि इनका ज्यादा ही भाव होता है मेरा तेरा भाव, इसलिए जंग होता है, वो लोग ये जो राजा लोग क्या कहते हैं, इनका चेतना बहुत कमजोरी होता है, तो ये लोग कहते हैं ऐसे को इसी भाव को पकड़ के हाँ क्या अपना अपना जो प्रतिद्वंदी होता है राजा, पड़ोसी राजा को जय कर लिया है, हाँ जीत लिया है, किंतु अपने पास जो सैनिक होता है, कौन सा सैनिक होता है अपने पास में, कितना सैनिक है अपने पास में, कितना सैनिक है, ये तो राज्य का सैनिक हुआ, लेकिन अपना पास में कितना सैनिक होते हैं, 11 सैनिक होता है, मन समेत 10वां इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको जीत नहीं पाया, बड़े बड़े सुरवीरों को जीत लिया, राजन सुन लो, कौन बोला, जड़ भरते बोला राजन रघुगण सुन लो, ये बड़ा बड़ा सुरवीर ने सारा पृथ्वी जीत लिया, लेकिन अपना पास में जो सोल्जियर है 11 सोल्जियर उनको नहीं जीत पाया, ये लोग ने कौन समेत सर्वे भूविबधवैरा, हाँ क्या होता है ना, और ये जिन्होंने महाशक्ति वाले शत्रुओं को पर विजय प्राप्त की है, तो भी ये अज्ञान वश यह विश्वास करके है कि ये भूमि मेरा है उनकी है, परस्पर लड़ते रहते और युद्ध भूमि में कौन अपना प्राण त्याग कर देते हैं, है ना, इसीलिए प्राण त्याग हो देते ना, है नहीं मेरा तेरा होके, है ना, नहीं हाँ चढ़ाई झगड़ा हुआ तो प्राण त्याग दिया है ना, नहीं कितना सारे लोग मर गए, रशिया का हो और वो हाँ यूक्रेन का हो, कितना लोग मर गए,
और कितना पैसा नष्ट हो गया, करोड़ों डॉलर भी नष्ट हो गया। यदि ये मंगल देश मंगल में कार्य लगेगा तो कितना मंगल नहीं होगा, हाँ कितना और बढ़िया बढ़िया रास्ता, कितना फैक्ट्री, कितना क्या क्या नहीं बता बिठाएंगे। तब खाली पैसा क्या होता है, हमारा उड़िया में बात होता है, कहावत होता है, हाँ क्या, नोट के पीछे आग लगाना और कुछ है, है? नोट के पीछे, पैसा के पीछे आग लगाना है ना, नहीं और कुछ है। युद्ध क्या है, जंग क्या है, पैसा के पीछे, नोट के पीछे क्या लगाना, दियासिल लगाना, दियासिल मालूम है ना, माचिस, माचिस लगाना, और क्या है बात, कुछ है बस, सिर्फ जैसे दिवाली में आप क्या फटका फटका फुटाते हैं ना, पैसा को क्या करते हैं आप लोग, आग लगा दिया ना, नहीं ऐसा है। और क्या जंग में क्या है, फटका हुआ ना, नहीं ये छोटा फटका ही बड़ा फटका आता है, गुरु ढोक ऐसा है, लेकिन वो बड़ा फटका है। हाँ तो इसी ऐसे भाव उनको पकड़ के आपस में लड़ाई करके क्या क्या हुआ उनका, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अपना जो पास में इंद्रिय होता है ना, क्या कितना इंद्रिय, 11 इंद्रियों, इसमें विजय नहीं प्राप्त चुके हैं, इसके द्वारा क्या होता है, पराजित हो गए, है ना। सारे बड़ा बड़ा सुरवीर, बड़ा बड़ा वीरों को परास्त कर चुके हैं, लेकिन अपना इंद्रियों को परास्त नहीं कर पाए हैं, अब इंद्रिय कब्जा में आ जाता है, इसे बोलते हैं। क्योंकि ये राजा का मनोभाव होता है, एक राजा के होने के नाते पहले था ना, उनका मन, उनका एक्सपीरियंस है ना, नहीं है ना, नहीं उनका एक्सपीरियंस पकड़ के वो बोल रहा है। जो लोग सब ब्रह्मचर्य बन गए, बड़ा बड़ा बात करते रहते हो, संसार नित्य कैसे बात करते मालूम है, ये जात स्मर होते हैं सब, पहले जन्म में सब त्यागी थे और ब्रह्म क्या गृहस्थ भी थे, और गृहस्थ क्या झगड़ा पगड़ा हुआ, कैसे जैसे तैसे चला या छोड़ के घर प्रैक्टिस किया, आधा रह गए, अधूरा रह गए, तो फिर आगे बचपन से ब्रह्मचर्य बन गए, ऐसा ना, नहीं छोटा लड़की टीवी को देखे वरिया से ओडिसी डांस कर रहा है, भरतनाट्यम कर रहा है, कैसे ये जात स्मर होते हैं, बिना गुरु में वो नाचना शुरू कर दिया है ना, नहीं कैसे जात स्मर होते हैं। तो महाराज भरत के पास ये सब सारे एक्सपीरियंस अनुभव था, उसको तो एक राजा का मनोभाव क्या होगा उनका पता है, उसे बोलते हैं। और क्या फिर क्या बोल रहे हैं, वे सन्यासी अपने प्राण नष्ट कर देते हैं, वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पद को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं। क्यों, मेरा तेरा भाव में और सन्यास के द्वारा ग्रहण किए हुए पद को ये कभी अपना नहीं पाएंगे, हाँ क्यों, क्योंकि इनका पास में क्या होता है, क्या होता है, हिंसा होता है। लेकिन सन्यास के पास क्या होता है, सकल प्राणी के प्रति के लिए अभय प्रदत्त, ही उनका पास, उनके पास विरुद्ध है स्वर्ज माने विरुद्ध है, लेकिन सन्यास के पास भी है। कौन सन्यास के पास कौन सा स्वर्ज है, विरुद्ध है, सकल प्राणी को, सकल माने समस्त प्राणी को मैं अभय प्रदान करूंगा, सकल प्राणी को मैं अभय प्रदान करूंगा, अभय तो प्रदान नहीं कर पाऊंगे, लेकिन अभय प्रदान का रास्ता बता दूंगा। आप लोग अभय प्रदान कर सकते हो ना, ना ना, क्योंकि आप स्वयं अभय भय में हैं, कैसे दूसरों को अभय प्रदान करेंगे। श्लोक बताइए थोड़ा, कौन सा श्लोक बताइए, कौन सा श्लोक, पंचवा स्कंद की लक्ष्मी देवी के बाद, सबई पतिसात अकुत भयम स्वयं, हाँ सबई पतिसात अकुत भयम स्वयं, समंतुत पातु भयातुर जनम, सबई पति वो निश्चित भाव पति है, पति माने पालयति पति, जे पालन करता रक्षा करता होता है, कौन वही हरि है। क्योंकि सबई पतिसात अकुत भयम, स्वयं अकुत भय है, उनका भय नहीं है, जिसको भय भय करता है, समंत तो तुपा तु भया तुर जनम, वो भी एक ओर से दूसरा जो भयातुर जन है, जो भय में आतुर होते जो जन लोगों को अभय दे सकता है, वही है पति, है ना, और स्वयं भय है और दूसरों को अभय प्रदान कर सकते हैं, वही उसको क्या कहते हैं, पति कहते हैं, वही ईश्वर होते हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं, अरे भगवान हरि को छोड़ के दूसरों को पति मानते, लड़कियों को बोलते, लड़का औरत को बोलते हैं, अरे औरत क्या तुम सोच रहे हो, वो पंचभूत के शरीर को पति मानते हो तुम, हाँ
उसके पास तुम शरणागत हो गए, वो तुम रक्षा कर सकते कभी? आओ ना हरे हरि के पास शरणागतपन्न हो, क्योंकि वो पति रियल पति यही है। दूसरा पति ने गोपियां बोला, जब गोपियां आ गए भगवान का बांसुरी बांसुरी सुन के, बोल गोपियां ने बहुत सारे बात बोले, क्या भाई तुम चले आए, तुम तो नारी कुल धर्म छोड़ के चला आए, यहाँ क्या करेंगे तुम, तुम तो तुम पति को छोड़ के चले। गोपी ने तुरंत बोल दिया, गोपी को कभी भगवान ने नहीं, भगवान सब सब ऐश्वर्य के मालिक है, बहुत ज्ञानवान है, भगवान सब ज्ञान भी फैलाते हैं संसार में, लेकिन गोपी के पास हार मानते हमेशा, है ना नहीं, क्योंकि प्रेम की भाव है प्रेम की स्वभाव होता है। बोले क्या प्रभु जी, बोला आप क्या ना क्या नंदन नंदन आप क्या बोला, हाँ तुम तो पति को छोड़ के चले हैं, क्या अच्छा है ये कूड़ धर्म नष्ट हो जाएगा। बोला कौन है पति, कौन है पति, अरे हम तो आत्मा है, तुम परमात्मा है, आप तो परमात्मा है, आत्मा का परमात्मा पति है। बोला बात सुनो, एक बात बोलूँ, बोलूँगी क्या बात, तुम्हारे पास है कितना सांसारिक ज्ञान है? नहीं हमारा सांसारिक ज्ञान कुछ नहीं है, हम थोड़ा ये से बोलता हूँ, महसूस में बोलता हूँ, अनुभव से। जब पति लोग हमारा, जब कोई किसी औरत का पति बाहर में नौकरी करता रहता है हमेशा, और वो क्या करते हैं घर में एक फोटो रख के पूजा करते हैं ना पति का, है ना, जब अब जो रियल पति आ जाएगा कहाँ से, ओमान से आ जाएगा, तो ये क्या फोटो को पूजा करेंगे, कभी करेंगे ऐसे? आप तो पति है, रियल पति है ना, हाँ हम लोग क्या है पति को पूजा करेंगे? आपने बोला है, यदि बोलते हो आप लोग हम हमारा पाप हुआ, आप तो कहे थे ना गीता में क्या डिक्लेयर किया है, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मानेंगे शरण व्रज, हम तो आप सर्व पापे भी हो मुखी से हम महासूच। वो भगवान ने बोला तुम श्लोक को दंडवत है भाई, मैं तुम्हारे पास हार मानता हूँ। देखो कितना तर्क होता है, गोपिया का ऐसा भाव है, भगवान हमेशा पराजित हो जाता है, हार मानते हैं, पराजित तो हिंदी है ना, है नहीं? हाँ तो ये लोग भगवान, ये जो नेस्त दंडे वाले, नेस्त दंड माने जिसका मन में सकल प्राणी के लिए अभय प्रदान का क्या होता है रूप के शौर्य है, मैंने ताकत है, विरुद्ध होता है। हाँ ये लोग जो पद चुन लेते हैं, कौन सा पद, मुक्ति का पद है, कैवल्य पद से चुन लेते हैं, इनके लिए को ये जो वीर वाला जो राजाओं के लिए वो कभी नहीं मिलेगा, सपना में रह जाएगा, हाँ सपना में रह जाएगा, हाँ सपना में। हमारा मेरा भूल गए, उपन्यास मालूम है, उपन्यास मालूम, उपन्यास मालूम है, नॉवेल नॉवेल इसको अंग्रेज में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उपन्यास को, उपन्यास कहते हैं ना, उपन्यास जब पढ़ेंगे तो बढ़िया बढ़िया वार्ड उन्हें मिलेगा। आपको पता है आर के नारायण अंग्रेजी राइटर नॉवेल राइटर आर के नारायण के बारे में पता है, स्वामी जी पेनांस और क्या इंडियन इंक बहुत सारे नॉवेल है ना, उनका भाषा मालूम है कैसा, आपका उम्र कितना है 35, आर के नारायण की भाषा में बोलिए, आर के नारायण भाषा में बोलिए, आर के नारायण की भाषा किसे मालूम है ना, सिंपल इंडियन है, दसवां क्लास 11 क्लास पास करने कितना बार फेल हो गए पता नहीं, मुझे पता नहीं वो पास नहीं कर चुका है, किया था पास हो ना, तो ये 10th 11th क्लास पास नहीं हुआ है उनका, लेकिन बड़ा नॉवल राइटर है, इंग्लिश नॉवल राइटर है, उनकी भाषा में बोलो क्या है, बोलो कौन से किसको पाते हैं, खाली तो कंप्यूटर चलेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल चीज मैकेनिकल क्या क्या पार्ट पढ़े तुम, थोड़ा व्याकरण पढ़ो ना मजा है क्या, बोलिए कौन बोल सकते हैं, बोलिए आजकल का जमाने के लड़का है सब बोल नहीं पाएंगे, मैं बोलता हूँ बूढ़ा बोलेगा, आई हैव स्पेंड इन माई लाइफ 35 स्पिंग्स, ओके समझ आ गया, आई हैव स्पेंड 35 स्प्रिंग्स इन माई लाइफ, समझ में आया, मैं 35 बसंतों का, बसंत ऋतु का क्या कहते हिंदी में, स्प्रिंग बसंत, बसंत ऋतु बीत चुका है मेरा लाइफ में। तो उम्र कितना हुआ मेरे को, कितना हुआ 35 हुआ, पता है ये भाषा, ये आर के ये नॉवेल, ये नॉवेल का भाषा होता है, नॉवेलिस्ट का भाषा होता है ऐसा सुनिए थोड़ा, खाली नहीं खाली चलेगा क्या प्रभु, थोड़ा
अंदर में घुसो ना, प्रभुपाद मुफ्त में इतना सारे बढ़िया बढ़िया भाषा देख लग दिया, नहीं उनके पास भाषा का ज्ञान था ना, हाँ बढ़िया अंग्रेजी, अंग्रेजी ऐसा बढ़िया अंग्रेजी, हाँ कौन कौन इस, आप आज तक कौन सा साधु लिख चुका लिखा है कभी जो लिखा है प्रभुपाद? हाँ मेरा हिंदी भाषा हिंदी नहीं है, नहीं तो बढ़िया से होगा तो बढ़िया बढ़िया से उड़ा देंगे उसको बात को। तो वो लोग, वो जो लोग है सन्यासी लोग जो नेस्त दंड होते हैं, नेस्त दंड माने जन नेस्त दंड गतो बैरोह अभिजाति, हाँ जो नेस्त दंड है किसको सन्यासी को नेस्त दंड कहते हैं, क्योंकि किसका प्रति उनका बैरभाव नहीं है। और जो सन्यासी, जो सन्यासी का कुछ बैरभाव होता है मन में, वह रियली सन्यासी नहीं है, खाली बाहर में कपड़ा पहनते हैं, नाइस पैकिंग पैकेट, द पैकेट इज नाइसली पैक, द पैकेज इज नाइसली पैक्ड, बट अंदर में कुछ नहीं, खाली 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 है ना, एक डिब्बा है, डिब्बा में बढ़िया से पैक होता है, खोल के देखेंगे आप खुशी हो जाएंगे, भाई ऑनलाइन ही मेरे लिए आ गया है क्या, अरे मैं तो मंगाया नहीं था, आ गया, देख खोल के देख रहा कुछ नहीं, खाली 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 कागज कागज होता है अंदर में, है ना। ऐसे सन्यासी जिसके पास भैर भाव होता है अंदर में, मेरा तेरा भाव भैर भाव भैर भाव, ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे, गुरु पोजिशन चला जाएंगे, हे अन उनके मन में कपिल प्रभु, तब तो क्या होगा, ये भी कृष्ण को देख नहीं पाएंगे और दिला नहीं सकते हैं, वो तो उनको मिलेंगे तो देंगे ना, मेरे पास 100,000 रुपये नहीं है, मैं कैसे आपको दूंगा, नहीं पाएंगे लेकिन दिला नहीं सकते, तो फिर लेकिन गुरु है। तो भैरभाव छोड़ना सन्यासी का पहला काम है, सन्यासियों का, और ब्रह्मचारी सोचते हैं वो सन्यासी लोग छोड़ेगा, हम लोग क्या जल्द हम चलेगा, अरे भाई नहीं, आप आने वाला आदमी, मैं तो आ चुके हैं, आप आने वाला आदमी है, रास्ता में है, हाँ मैं एक स्क्वायर क्रॉस कर गया, आप तो आने वाला है ना, ये स्कोर को क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ वो लोग नेस्त दंड इनके पास नहीं है, क्या नहीं है, मैं भाव नहीं है, लेकिन राजाओं के पास है, इसलिए जड़भद्र कहते जस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वाधी कलत्रादि शुभ मऊजधि जत्रित बुद्धि सलिले न कही रुचि जनेशु अभिज्ञेशु छैव गो कर, पता है आपको ना, ये बम शुरू के बम है ना, जस्यात्म बुद्धि जिसका आत्मबुद्धि होता है कुणों पे, कुणे के माने क्या है, बुरा बुरा, ये बुरा है ना, एक गुणों पे एक बुरा है ना, नहीं पैकेट है, कौन सा बुरा, तीन धातु का बुरा होता है, बुरा मालूम है, बुरा कहते हैं ना, क्या कहते हिंदी में, मुना मुना को कौन कहते, मुड़ा मुड़ा मुना, हाँ तो तीन धातु के बने हुए एक मुना है, मुना मालूम है, मुना है क्या हिंदी में, हाँ बुरा है, इसको जो मानते हैं हमारा ये जस्यात्म बुद्धि, इसको सर्वोच्च मानते हैं, इससे वाला अलावा कुछ दूसरा चीज नहीं है, जस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वादि कलत्रादि से भूमि, ये मेरा घर है, मेरा राज्य है, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ऐसा जस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वादि कलत्रादि भूमि जत्रित बुद्धि सलिय न कही चित, तीर्थ स्थान को जाता है, मालूम है तीर्थ किसको कहते, मालूम है तीर्थ किसको कहते, तीर्थ किसको कहते हैं, बोले बोले उदाहरण तीर्थ ही नहीं है, संज्ञा बोलो ना, ये तो आपने बोल दिया आप लोग, जल के प्राधान्य से तीर्थ बोल जाता है, और धाम किसको बोलते हैं, धाम किसको बोलते हैं, नहीं भाई भूमि का प्राधान्य होता है, ऐसा बोलने से है भागवत में उसे होगा क्या, ये क्या, ये इसको ब्लफ मारना, इसको कहते ब्लफ मारना, ढावा 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 मारना, ब्लफ ब्लफ मारना काम है, हम इंटरव्यू क्या करते हो जरी ढावा मारना मालूम है, जय कला पेन को छोड़ दो, जहाँ निकल जाए तो जहाँ जहाँ ठहर जाएगा मारो, टिक टिक मारो, यदि माइनस मार की नहीं है, यदि होता है माइनस मार की नहीं, जय कला काम नहीं करेगा पता है ना, नहीं जय कला काम नहीं करेगा, है ये जो यंग टाइम का बात है, इसका जैन जैन करने का पहले जय कला चलाओ
अरे तुम क्या किया? मैं बोला कि प्रधान तुम क्या किया? अरे भाई जितना आया उसे चाय कलाच करके छोड़ दिया। बोला अरे क्या ऐसा मिलेगा क्या? क्या नौकरी मिलेगी इसे? इंटरव्यू पास होंगे? नहीं तो मैंने मुझे पता नहीं, माइनस मार्किंग तो नहीं है, मैं जय कला कर दिया। जय कला मतलब जय कला इसके पहले छोड़ देना चाहिए। तो हाँ क्या होता, क्या था? हाँ धाम। और क्षेत्र किसको कहते हैं? फिर यही से बात, खत्म फील्ड मला रहे क्षेत्र को अंग्रेज तो क्षेत्र होगा नहीं, जहाँ क्या होता है कुरुक्षेत्र। क्षेत्र किसको कहते हैं? संज्ञा होता है, जहाँ धाम और क्षेत्र, धाम और तीर्थ दोनों मिलके होता है, और तीर्थ और भूमि समुद्र जल में दो क्रोश तक रहती है, उसको कहते हैं क्षेत्र, श्री क्षेत्र। मालूम है श्री क्षेत्र? श्री क्षेत्र में धाम की प्राधान्य होता है, जल की प्राधान्य होता है। जल की प्राधान्य कौन है? समुद्र का क्या बंगोपसागर क्या कहते हैं जो आध्यात्मिक में ये क्या हैं? सी सी कहते बंगोपसागर को। क्या ये सब चलता है हैं? महोदधी, महोदधी जानते हो कितना प्राधान्य होता है महोदधी का? कालंदी, एक दिन कालंदी ने इन्वाइट किया भगवान को। कालंदी कौन है? भगवान का जमुना। जमुना क्या है भगवान का? पत्नी नहीं, प्रेयसी होता है। प्रेयसी मतलब पत्नी नहीं, पत्नी का अर्थ बोलेगा प्रेयसी, प्रेमिका, प्रेमिका। हाँ प्रेमी को अपना पत्नी का बात को नहीं मानेगा, लेकिन प्रेमिका का बात को जरूर ही मानेगा ना। तो भगवान बोला प्रभु जी अपना कुंज में आइए, अपना मेरा कुंज में आए ना, बहुत दिन में प्रतीक्षा किया हूँ, आप लोग नहीं आए, आप नहीं आई है, आइए बार एक दिन, आज मैं जाऊँगा बस फाइनल। हाँ चीटिंग नहीं होगा तो प्रभु? नहीं 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 आज ही जाऊँगा प्रिया, मैं आज ही जाऊँगा, आज ही जाऊँगा, जाऊँगा जरूर। तो यमुना और कालंदी तुरंत जाकर अपना कुंज को सजाना लगा। हाँ लेकिन उनकी 7 बच्चे थे, बेटा एक नहीं 7 बेटा थे। वो आपस में झगड़ा किया, झगड़ा में लग गए। इतना झगड़ा हुआ कालंदी ने सजावट करने के लिए बहुत तकलीफ हो गया उनके लिए, वो से घुसा होकर उन लोग को मारा, फिर चुपचाप बैठ गए, फिर दोबारा शुरू करे बच्चे को काम है ना ऐसा करेंगे है ना, नहीं फिर शुरू हो गया, फिर डांटा, फिर शुरू हो गया। ये घुसा हो गया, बोला तुम सब मर्त्यवासी हो जाओ, अभी साफ दिया। इसी समय भगवान आके पहुंच गए और सब बच्चे रोने लगे। और बड़ा बेटा हो सबसे लीडर है ना, वो सबको संभालना चाहिए, लेकिन वो बड़ा झगड़ालू थे, बड़ा झगड़ालू थे, वो झगड़ा में एक्सपर्ट। तुम्हारा तुम सब मर्त्यवासी हो जाओ, तुमसे नदी बन जाओ, समुद्र बन जाओ सब। आओ तुम पहला वाला लोग लड़का है, तुम्हारा जल ऐसा होगा क्या होगा, सल्टी हो जाएगा, लवणाक्त तो हो जाएंगे, ज़्यादा सुर का रोना लगा। इसे भगवान पहुंच गए, बोला क्या हुआ बेटा तुम लोग का? हम लोग आप आने से तो आप तो आने वाले थे, इसलिए माँ ने सजावट किया था कुंज को, तो हम लोग झगड़ा किया, माँ का बात नहीं माना, एक बार माँ ने बंद किया, दोबारा बंद किया, तीसरा बार बंद किया, फिर भी हम झगड़ा में सब लिप्त हो गए, लेकिन माँ ने हम लोग को डांटा और मारा, और ज़्यादा से मेरे को अभिशाप दे दिया, सारे को सारे अभिशाप दिया, लड़के को और भैया को। आप बोला तुम सब जल कौन समुद्र बन जाओ, सब मर्त्यवासी को समुद्र बन जाओ, और मेरे को बोला तुम्हारा जल किसी भी कार्य में नहीं आएंगे, लवणाक्त हो जाएगा। ओ ऐसा वो बात है बेटा, रोना मत कीजिए, रोना बंद कीजिए, नहीं रोना नहीं जरूरी है, क्यों तुम जाओ मर्त्यवासी, क्या बात, फिर आप माँ ने जो बताया था आपने ही बताया, फिर क्या तुम जाओ मर्त्यवासी हो, और तुम्हारा जल तो लवण होगा ना, लवणाक्त तो हो गया ना, मैं आपके किनारे पे मेरा घर बनाऊंगा जगन्नाथपुरी, और सब लोग आएंगे और डुबकी लगाएंगे, इसके बाद मेरे को दर्शन करेंगे तो दर्शन सफल होगा। मालूम है कितना बढ़िया बात, ये बंगोपसागर रहता है, अब आप कह सकते हो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी खाली नेम होता है, नाम होता है बंगोपसागर, लेकिन ये महोदधि होता है।
ओहो दधि, स्नान करने से पाप चला जाएगा, जितना पाप बचेगा फिर दर्शन से, भगवान के दर्शन, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन से चला जाएगा, और कुछ बचेगा तो महाप्रसाद सेवन करके, और जो बचेगा क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, नाम लेके भगवान सब सब चला जाएगा ना, पातक अति पातक महापातक जितना जितना है सब चला जाएगा। तो बोलो प्रसंग कहाँ था, त्रिधातु के, थैंक यू, जस्यात्म बुद्धि त्रिधातु के स्वाधि कलतराज भीमोजधि, तीर्थ स्थान को जाके इसको जाके तीर्थ नहीं मानते, क्या करते हैं एंटरटेनमेंट, ये एक छोटा छोटा हाफ पेंट फेंट हाफ पेंट नहीं तो इसको क्या कहते, बोलना शर्म लगता है ना, शर्म लगता है पहन के, क्या करते हैं वो लोग, नहाते मजा करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत लोग ऐसा नहीं करते कभी, दक्षिण लोग ऐसा नहीं कभी करते, पूरा ड्रेस में फुल ड्रेस में नहाते, लेकिन हमारा बेंगली और उड़िया, वो तो बेंगल उड़िया को वो सब मालूम नहीं था, सो बंगाली ने सिखा दिया उन लोग को, बंगाली लंगा पंगा है, बंगाली लंगा पंगा है, कोई बंगाली लोग है क्या इधर, है कोई, सब जाके हमारा पूरी में लंगा पंगा होकर नहाते, पता नहीं है कितना क्या क्या जन्म मिलेगा उसको, इन लोग को क्या 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 जन्म मिलेगा ठिकाना नहीं है। तीर्थ जस्यात्म बुद्धि तीर्थ जस्यात्म बुद्धि कुण के तीर्थात्म के स्वादी को भूमि यदि जत्तीर्थ बुद्धि शल्य न कर चित, तीर्थ स्थान को जाके इसको तीर्थ नहीं मानते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, जस्यात्म बुद्धि कुण के तीर्थात्म के स्वादी को भूमि यदि जत्तीर्थ बुद्धि शल्य न कर चित, कभी भी समय नहीं हुआ, जनेशु एमंग द पीपल, जनेशु जन्म जन में जन लोक में जनेशु अभिज्ञेशु, वो माना जाता है अभिज्ञेशु, पीएचडी करने वाला आदमी बहुत विद्वान माना जाता है, लेकिन हमारा शास्त्र भागवत कहते स्वयं गोखर, निश्चित रूप से वो गोखर है, पशु हैं, राजा तुम पशु हो, क्योंकि अपना त्रिधातु के अपने को मानते सर्वस्व, अपना शरीर को तुम त्रिधातु के, हाँ, लेकिन पूर्ण पूर्ण फिर बोलते हैं तुम राजा लोग को कुछ काम नहीं, अपने आप को क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, जानते हो, एक बात बोलूं, और गध गध मालूम कि गध को क्या कहते हैं हिंदी में, गध आस 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 को क्या कहते हैं गधा, और कैमल को उष्ट्र कहते हैं हिंदी संस्कृत उष्ट्र, अहो प्रशस्ति विवाह है गधा वस्त्रा परस्परम अहो रूपम अहो ध्वनि, समझ में आया, शादी शादी सबसे बड़ा बड़ा ये क्या है, बड़ा क्या बोलते हैं इसको, बड़ा शादी 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 का जो विवाह होता है ना, भोजी होता है, इसे सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है ना, गर्मियों के लिए बड़ा अनुष्ठान, हमारे लिए कौन अनुष्ठान बड़ा है, जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा, हाँ कोई भागवत सप्ताह हुआ तो बड़ा अनुष्ठान है हमारे लिए, लेकिन कर्मी के लोग के बड़ा अनुष्ठान कौन है, शादी, जब शादी शादी का दिवस आ जाएगा और रिसेप्शन आ जाएगा, शादी का भिस्ट पे जाएंगे, अपना पुराना कोट को निकाल के पहन के जाते हैं सब लोग, है ना, नहीं पुराना कोट के निकाल के सब पहन के जाते हैं, क्योंकि स्टार्टस हम इंडियन है, अरे हम इंडिया नहीं, पूरा जो फॉरेनर लोग विदेशी लोग के माफी हम लोग चलते हैं, क्या हमारा हैबिट है बन गए, हाँ शादी में जाते हैं ना, तो इसलिए शादी हुआ किसका इसका गधा और ओष्ट के बीच में शादी हुआ, सब जाएंगे ना बारात जाएंगे ना नहीं, बारात जाएंगे ना नहीं, बारात ऐ बारात जाएंगे ना नहीं, तुम बारात कब गए नहीं, क्या करेंगे, अरे बीच ये शादी नहीं हुआ तो बारात कभी कभी भी कभी बारात जा सकते ना, अरे शादी हुआ नहीं ऐसे बोल सकते, बारात गए ना नहीं तुम, कभी नहीं बारात गए, अरे मैं गया था बारात होके, बर के साथ भी गया था, क्या बात, हाँ हमारे उड़ीसा में बारात जो बर के साथ जो जाए ना लड़का छोटा लड़का, वो भी बर के माफी सजावट होंगे, मैं भी गए थे मेरे मामा जी के साथ मामा अंकल मैटरनल अंकल के साथ, मैं छोटा था ना, हाँ और बहन बहन के लिए भी बर पकड़ के बर को पकड़ के लाने के लिए गए थे, कितना बार गए थे ठिकाना नहीं, बहुत सारे बहन है ना, 13-14 बहन है हमारा परिवार में, बड़ा सो है ना सब, और तो
जब बारात में जाते हैं तो शादी तो हुआ, दोनों भी दोनों फैमिली में शादी होगा। तो गधा ने जब गधा में जब एक संगीत गाना गाया तो उठ रहा के बोला, ओहो ओहो ध्वनि कितना सुंदर ध्वनि है आपका। तो तब तो गधा ने सुन लिया और उठ को प्रशंसा करना चाहिए, ओहो कुंत कैसा एक सुंदर काम कामदेव के स्वरूप रूप है आपका। समझ आ रहा नहीं, ऐसा है हमारा आजकल, ऐसा है हमारा हालत। ऐसे प्रभु जी आप पीएचडी किए हैं और कितना बड़ा, सॉरी डॉक्टर साहब आप पीएचडी किए हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है, कितना फॉरेन में जाके कितना क्वालिफिकेशन आपका है। अरे लाभ क्या होगा, जनेशु अभिज्ञानशु सैव गोखर। हमारा भागवत कहते हैं ये गोखर होता है, पशु होते हैं, क्योंकि इतना शिक्षागत योग्यता लाभ, योग्यता लाभ शिक्षागत मालूम है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होके भी अपने को नहीं पहचान पाते, बोलते हैं ये सब है, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, इसके लिए आसक्ति होता है, मेरा तेरा होता है, मेरा घर मेरा इंडिया ने, मैं अमेरिका ने, ये सोच है। तो इसीलिए भागवत उसको कहते हैं जनेशु अभिज्ञानशु सैव गोखर। लेकिन हमारा हमारा अभी हमारा ये उस समय में उस वक्त में हम लोग उसको क्या कहते हैं, बहुत बड़ा पंडित विद्वान है भाई, तीनों चारों सब्जेक्ट में पीएचडी है, कम से कम चारों सब्जेक्ट, इतना ऐसा क्या हो सकता है कभी, हाँ लेजर लेजर क्या लेजर लिखा निकाल दिया, लेजर लेजर क्या लेजर के बारे में वो लोबुन रेट हो गया, अरे और प्लास्टिक अभी बन गए क्या, प्लास्टिक क्या बन गए अभी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन गए। अरे मैं तो स्टार स्टूडेंट हूँ, इतना बारे इतना सारा साइंस मुझे पता है, आप लोग कहीं चुपचाप बैठे क्यों, प्लास्टिक अभी बन गए ना, नहीं इलेक्ट्रिक कंडक्टर पता है कैसा गलत में हुआ, सही ढंग से रिसर्च करके हुआ नहीं, गलत में हुआ था, सारे रिसर्च वर्क गलत में हुआ था, सारे रिसर्च वर्क ये भगवान की इच्छा से हुआ। वो लोग सोचे थे हम रिसर्च कर करके हमको हमारा विद्या लगा के हम रिसर्च निकाल देंगे, नहीं सारे रिसर्च वर्क गलत में हुआ है। देखो बीसीजी टीका, टीका मालूम है, वो इंजेक्शन देते हैं बीसीजी जो कहते क्या कहते हैं इसको, कोविड दिया नहीं कोविड, इसको क्या कहते हैं वैक्सीन, टीका वैक्सीन वैक्सीन कैसे मालूम है, जर्मन दो दो साइंटिस्ट कालमेंदा एंड गारे, ये मेरे बचपन के का कोर्स था टू क्लास में, कालमेंदा एंड गारे दोनों रिसर्च किया, किसको टीबी को निकालने के लिए रोग बीमारी को, तो रिसर्च किया वो लंग से जो बैक्टीरिया ला के रखा रिसर्च यूनिट में और उसको खिलाया, सब पशुओं का लंग्स खिलाया, इसी बात तो वर्ल्ड वॉर आ गए ना, जर्मन गवर्नमेंट देने के लिए ताकत नहीं था, तो क्या सोचे क्या करूँ, इतना सारा दिन हम लोग इतना सारा सालों भर रिसर्च किया, अभी तक हमको किसको उसको किसी भी फल नहीं मिला है, क्या करूँ। तो ठीक है देखूंगा कब होगा, ठीक है थोड़ा इंतजार करना, पहले वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो दो भाग में भेद कर दिया, एक भाग को पच्चा फल दिया और दूसरा भाग को पशुओं का लंग्स दिया खाने के लिए। कुछ दिन बाद देखा पशुओं का लंग खाने से खाने वाले जो बैक्टीरिया हो ना वो सब मोटा छोटा तगड़ा वाला है, तगड़ा वाला है और जो फल पच्चा फल खाने वाला जो कौन है जो बैक्टीरिया है मेरे बापी पता दुबला पतला है लेकिन पूरा एक्टिव है। तो कुछ तो काम नहीं है, रिसर्च में कुछ नहीं निकला थे। कभी कभी बांदरगिरी मालूम है, बांदरगिरी मंकी लगे एक्टिविटीज, मंकी जब बैठेंगे ना सोचेंगे और कुछ कहाँ जाऊँगा, किस कहाँ पर क्या खुद अटखट करूँगा, है ना, नहीं मंदी बांदर यदि बैठे जाएंगे चुपचाप उनका सोच चलता है, कोई प्रोजेक्ट करेंगे, फिर कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ घर को जाएंगे और तोड़ेंगे इसका, ऐसे बातें है ना। तो साइंटिस्ट दोनों मिलके क्या क्या थोड़ा सा लाया, सब थोड़ा सा दोनों से, वेजिटेरियन जो है ना थोड़ा सा लाया और नॉन वेज से थोड़ा सा लाया, झगड़ा शुरू कर दिया, जंग में कौन जीता बोलो, मोटा वाले तो जीतेंगे ही जीतेंगे, हाँ अरे क्या बात, तो पतला दुबला पतला थे और एक्टिव थे ना वो जीत गए, मार खा लिया उस सारे को जीत गया, जब मुझको हमको मिल गया। देखो ना ये क्या रिसर्च वर्क है, इसको रिसर्च वर्क है, इसको रिसर्च वर्क। और सुनाओ दूसरा बात सुनाओ, वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन गए, लोबुनरेट हो गए लोग सब, कैसे मालूम है,
वो जर्मन का वो लोग जो जो उनका जो गाइड था, गाइड थे, उनका अलग 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 भाषा के लोग हैं, वो लोग तो अंग्रेजी में इतना रिसर्च लोग, लेकिन साइंटिस्ट है, अपना भाषा में साइंटिस्ट है, अपना भाषा को लेकर रिसर्च किया, लेकिन वो अंग्रेजी में इतना दक्षता नहीं था उनका, इसके लिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते रहते थे। और ये स्टूडेंट भी दूसरा जगह के देश का लोग हैं, सब मिलकर रिसर्च होता, वो गाइड वन गाइड गाइड का अंडर रिसर्च हुआ, गाइड कुछ बोला है, रिसर्च यूनिट में एक बात है, जब रिसर्च यूनिट में जाएंगे ना वो सब इसको सब क्या करेंगे, सिस्टमेटिक काम करेंगे, सिस्टमेटिक, पहले इसको खोलो इसको, जैसे पुजारी करते हैं, पहले पुजारी जाकर धड़ाधड़ खोल देंगे ना, सब गलत गड़बड़ी हो जाएगा ना, वो सिक्वेंस सब करेगा काम। अरे वो कपिल प्रभु साइंटिस्ट लोग ऐसे है, जो कुछ भी काम करेंगे पहले लिखेंगे खाता में, इसे मैं क्लोरीन इतना लिया और लिथियम इतना लिया, ऐसे जैसे जो जो काम करेंगे ऐसा, देखो मुझे कितना पता है, तुम साइंस स्टूडेंट हो तो पता नहीं कुछ है, तो सब लिखते हैं, लेकिन वो क्या बोला पता नहीं ना, उनका का काम था उसको एक स्ट्रांग प्लास्टिक बनाने के लिए, हाँ उनका इनका दो रिसर्च का एम्स एंड ऑब्जेक्ट था स्ट्रांग प्लास्टिक बनाएंगे, सुनिए। तो फिर वो जो गाइड क्या बोला उनको पता नहीं, भाषा तो समझ में नहीं आते, अंग्रेजी थोड़ा टोटा मोटा इंग्लिश बोलते हैं, तो वो जो बोला वो पता नहीं, वो लेके ले आया, मिला दिया, देखा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो गया, शक मारा सबको, बोला गाइड बोला क्या हुआ, प्लास्टिक कभी हो नहीं सकता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है अंदर में, ओ सॉरी ओ एक जंत्र है इधर, हाँ आजकल ये ब्रह्मचारी लोग सारा जिन सारा देह सारा शरीर में लगा देंगे, सब कंडक्टर लगा देंगे जब मशीन वगैरह, अरे भाई मैं कुछ खाया नहीं, यू भी फोटो उठा उठ जाएंगे क्या, नहीं ना उठाएंगे ना तो फोटो हैं, एक्सेस नहीं करेंगे तो मजाक कर रहा हूँ आपसे। तो फिर क्या हुआ क्या बोला दिखा दो, तुम नोटबुक दिखा दो, नोट में दिखा, अरे मैं तो नहीं बोला था ये सब, ठीक है चलो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन गए, प्लास्टिक माने बहुत बड़ा काम है ना, नहीं तंबा फंबा वो जरूरी तो नहीं होगा, देखो ये क्या गलत, ये सही में सही रिसर्च में हुआ ना, गलत रिसर्च में हुआ, अरे भगवान की कृपा में ये होता है, ये भगवान की कृपा में होता है, अब लोबुल लरेट बन गए, लोबुल लरेट इसको कहते हैं लोबुल लरेट, इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं, अहो विवाह प्रशंसती गद्र वस्त्र परस्परम अहो रूप बहु ध्वनि, ऐसा है ना, नहीं अरे गलत में निकला, गलत में लोबुल लरेट हो गए ना, तो इसमें हम उसको प्रशंसा करते हैं, लोबुल लरेट दिस, छोटा सा बात, कौन न्यूटन बोले, हाँ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमको पता नहीं था क्या, वेद में लिखा नहीं है ये बात अंग्रेजी में बोल दिया था वो नोबेल लॉरेट बन गए, हरि बोल, हाँ उसको माध्याकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे हमारा क्या वेद में नहीं है, भगवान का चिंतन शक्ति होता है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज मेटेरियल और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मैटर प्योर मैटर ऑब्सोल्यूट मटेरियल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर ही काम करता है ना, और चीज जगत में काम करता है क्या, नहीं, तो इसलिए प्योर मटेरियल रिलेटेड विथ मैटर मीन्स मटेरियल, और क्या बात, ऐसा बात, ये लोग आपस में प्रशंसा करते हैं, आपको प्रेस करते हैं, है ना, नहीं हाँ, और जस्यात्म बुद्धि, इसलिए देखो तुम राजा इसको छोड़ दो, तुमको ये अभिमान शरीर अभिमान छोड़ दो, नहीं तो तुमको कभी नहीं मिलेगा, किसका क्या नहीं मिलेगा, नेस्त्रदंड जगत वैर भाव आती, जो नेस्त्रदंड लोग होते हैं, नेस्त्रदंड कौन, सन्यासी का जो पथ होता है, जो जो स्थान मिलेगा उस सन्यासी को, आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर आप क्या होंगे, मैं पहला राजा था फिर भी बन गया क्या हिरण का बच्चा, फिर भी अभी जड़ा भरते हो गया, लंगा पंगा कपड़ा नहीं मेरा पास, ईश्व में मेरा कितना कपड़ा था, ठिकाना नहीं मेरा कमरे में जब राजा में थे, तो इस जगत का नियम ऐसा होता है, कोई तो ऊंचा स्थान चलाते फिर नीचे चला जाता है, ऐसा चलता है, बांदर की माफी है ना, नहीं बांदर चढ़ता है फिर गिरता है ना, नहीं ऐसा है, तुम भी कम बन जाएंगे मेरे जैसे, मैं भी एक बार था, तो ये बात छोड़ दो, ये सोच समझ के महाराज जड़ भरत ने,
जो पहले महारथ थे ना वो बताया किसको, राजा रघुवन को, अपना जो था जो आध्यात्म जो शरीर चिंता था ना छुड़ाने के छुटाने के लिए, है ना। नहीं एने छी औषधि माया नासिवारो लागी हरि नाम महा मंत्र लह तुमी मागी। एने छी औषधि माया लासिवार लागी, माया नाश करने के लिए मेरा पास औषधि है क्या? नरोत्तम दास बोलते हैं हरि नाम महामंत्र लह तुम्हें मांगी, तुम मांग के लो भाई। हाँ निताई नाम हटे नाम एने छे साधारण नामे श्रद्धा मूल्य थे नाम दीते छे। नहीं श्रद्धा मूल्य क्या होता है? श्रद्धा ही श्रद्धा। और चैतन्य चैतन्य मतलब प्रभुपाद ने क्या बोले थे, कृष्ण भक्ति भाविता मती जत्र कुत्र भी लभ्यते लल्लम एकल्यमूल्यम न कोटि जन्म सुकृति भी। कृष्ण भक्ति रस भाविता मती को कैसे मैं खरीद करूँगा? हाँ लौलम लौलम मैंने लव हाँ लोभ लोभ तीव्र लोभ होना चाहिए। तीव्र लोभ किसको कहते हैं? मैं लायक नहीं, पाने के लिए लायक नहीं हूँ फिर भी लोभ है। बामन जैसे चंद्रमा चाहता है, चंद्रमा मालूम है ना चांद चाहते हैं ना, ऐसे बामन कभी चांद को पकड़ पाएंगे? बामन बामन डॉप 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 कब पाएंगे? क्योंकि पाने के लिए कब तीव्र इच्छा होता है, इसको कहते हैं लव लो। ऐसा वाला लव लो, मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है कृष्ण के, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण भक्ति करने के, लेकिन फिर भी ज्यादा ही ज्यादा बहुत सारा लोभ मेरा पास है, इसको कहते हैं लौलम। लौलम एकल मूल्यम न कोटि जन्म सुकृति भी, केवल लौलम रूप को मूल्य दे के मैं खरीदी करूंगा, लेकिन जन्म कोटि सुकृति भी सत्य शतकोटि जन्म का सुकृति को लेके खरीदी खरीदा नहीं कर पाऊंगा, इतना है। हाँ बस राजन तुम इसको छोड़ो आ जाओ और नेस्त दंड की माफी भैरभाव त्याग करो, तब तो तुमको क्या भगवान मिल जाएंगे। और ये राजा प्रजा का जो भाव छोड़ दो, ये है क्वाइट मेटर 100% ग्रस मेटलिस्ट मूड है कृष्ण है, हरे कृष्ण। आप भी छोड़ना चाहिए, पकड़ के रखा है कभी? जो रखेगा नहीं मिलेगा कृष्ण को, हरे कृष्ण।